इंडियन आयडल्सच्या एकापेक्षा एक धमाल कंटेस्टंट पैकी एक म्हणजे जम्मूचा अनमोल. अनमोल आता आपल्या सोबत आहे. अनमोल, सुना है बहुत मस्ती करते हो सेट पे, सेट के बाहर, रिहर्सल्स के टाइम पे. अब गाने से अलग भी कुछ करना चाहिए तो हम मस्ती करते हैं. ओके. और सेट पे सबसे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा सुना है कि निर्वेश है, और निर्वेश फिलहाल बहुत बॉडी बिल्डिंग कर रहा है. अब है नहीं कुछ तो बॉडी बिल्डिंग करके कुछ बनेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा हेल्दी होएगा. ओके. है नहीं कुछ मतलब क्या मीन्स? उसका आप खुद ही देख के बता सकते हैं वो क्या कितना है, वो कितना पहलवान है पहले से. ओके. और अनमोल को क्या पसंद है अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग? मुझे बहुत कुछ पसंद है. मुझे अलग अलग गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बहुत अलग जो मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले नहीं किए हैं पहले, उन्हें प्ले करना बहुत पसंद है कि उन्हें बजाऊं कैसा साउंड करते हैं वो, बहुत अच्छा. ओके. अनमोल, इंडियन आइडल में सबसे फेवरेट मेंटर कौन है? मेरे फेवरेट जज हैं विशाल डडलानी जी, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनते हैं बच्चों को, और जो मुझे अच्छा लगता है कि वो जब ध्यान से सुनते हैं तो हमें भी अच्छा गाने की इच्छा होती है, तो तभी. अच्छा, तो तुम जम्मू से हो, तो जम्मू के लोग वहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि हमारा अनमोल इंडियन आइडल में गया है, वहाँ के रिएक्शंस कुछ? वहाँ पे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत वहाँ से बहुत वोट आ रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ. हमने कहा कि निर्वेश को बॉडी बिल्डिंग पसंद है, सोनाक्षी को एक्टिंग पसंद है, और संकल्प तो अपनी हंसी में ही खोया हुआ रहता है. वैसे अनमोल को क्या पसंद? बोला तो गेम्स पसंद है मुझे खेलना हर टाइप की. ओके. किस तरह के गेम्स खेलते हैं? मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, आउटडोर गेम है जो अगर खेलूँ तो, बाकी और भी कई गेम्स हैं जो मैं लाइक करता हूँ. और अनमोल, एक छोटी सी छलक तुम्हारी तरफ से हमारे चाहने वालों के लिए. जरूर. क्या कुछ भी ना? कोई भी गाना. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ. मैं अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. और अनमोल, क्या लगता है इस पूरे कंपटीशन में सबसे टफ कौन देता है तुम्हें? वैसे तो सभी कंपटीटर अच्छे हैं, सभी अच्छा गाते हैं, तभी वो यहाँ तक हैं. मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता तभी मैं यहाँ तक हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एकदम कड़ी टक्कर देता है मुझे, देती है, वो देवांजना है, कि वो बहुत समझ के गाती है गाने को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं चाहता हूँ कि मैं उसके जैसा गाऊँ. क्या बात है, क्या बात है.
सो स्वीट. चलो इंडियन आयडल के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट. आणि आमच्या शेतके आपुलकीने बोलला असताबद्दल खूप खूप धन्यवाद. काय कळलं? कुछ समझ नहीं. चलो थैंक यू वेरी मच. तेव्हा इंडियन आयडल्स ते एकापेक्षा एक धमाल कंटेस्टंट तुम्ही पाहतच आहात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिलीप शिंदे सह जयंती वाघरे, सी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.